पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीली अकुत्सु का वेट कर रही थी और तभी दो बंदे उसके पीछे आ जाते हैं। वो दोनों कहते हैं, हम दोनों आज फ्री है तो चलो ना कहीं पर घूमने चलते हैं। लीली कहती है, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। तो वो दोनों कहते हैं, जब तक तुम्हारा फ्रेंड आता है तब तक हम कॉफी पीकर आते हैं, चलो ना। लीली सोचती है, अब मैं इन दोनों से पीछा कैसे छुड़वाऊं। तभी पीछे से अकुत्सु बोलता है, तुम दोनों उस लड़की को परेशान कर रहे हो, किसी को भी ज्यादा फोर्स करना अच्छा नहीं होता। उसे देखकर ये दोनों बोलते हैं, ये लड़का तो कितना हॉट है। अकुत्सु लिली को कहता है, लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। एंड लिली तो उसके सर पर एक ग्रीन एलिफेंट मार देती है। ये देखकर ये दोनों तो डर कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद अकुत्सु लिली को कहता है, मैंने एक तो तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे मार दिया। लिली कहती है, तुम इसी के काबिल हो। अकुत्सु कहता है, वो ग्रीन एलिफेंट रोने वाला था, वो पूरा सिकुड़ गया था। लिली कहती है, तुम्हें भी उस डॉल जैसे होना है। अकुत्सु कहता है, आज तुम काफी जोश में लग रही हो। लिली कहती है, मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई हूँ। तो अकुत्सु उसे देखता रहता है। लिली कहती है, परवर्ट मुझे ऐसे घूरो मत। अकुत्सु कहता है, वो तो तुम हर बार की तरह आज भी कितनी क्यूट लग रही हो, इसलिए मैं बस तुम्हें देख रहा था। लिली कहती है, चुप हो जाओ, अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं स्कूल में, क्लास में, असेंबली में और रिसेस में मैं उस कॉलर का पावर सबके सामने एक्टिवेट कर दूंगी। तुम्हारा और प्रिंसिपल का लव सीन सबके सामने क्रिएट हो जाएगा। तो अकुत्सु लिली से माफी मांगता है। लिली कहती है, चलो अब डीमन हंटिंग के लिए जाना है। अकुत्सु सोचता है, डीमन हंटिंग, मैं तो डीमंस को धोखा दे रहा हूँ, अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, बस ये होप रख सकता हूँ कि हमें एक भी डीमन ना मिले। वो लिली से पूछता है, हम जा कहाँ रहे हैं। लिली कहती है, यहाँ पर अभी वाइल्ड डॉग अटैक्स के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और सारी विक्टिम्स वुमेन ही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये डीमंस का काम हो सकता है। अकुत्सु कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे। लिली कहती है, सिटी के होम पेज में विक्टिम डिस्ट्रीब्यूशन मैप को पब्लिश किया गया है, तो तुम कितने डिस्टेंस से डीमन को डिटेक्ट कर सकते हो। अकुत्सु कहता है, अगर वो डीमन स्ट्रांग हुआ तो मैं उसे काफी दूर से सेंस कर सकता हूँ। लिली कहती है, इसका मतलब वीक डीमंस को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, तुम तो यूजलेस निकले। अकुत्सु कहता है, ऐसा मत बोलो। फिर वो पीछे पलट कर देखने लगता है। लिली पूछती है, क्या तुम्हें कोई डीमन सेंस हुआ। अकुत्सु कहता है, मुझे नहीं लगता। लिली कहती है, मुझे इस तरह से उल्लू मत बनाओ। फिर लिली उसे हर जगह पर पूछती है कि क्या यहाँ पर डीमन है, लेकिन अकुत्सु उसे हर जगह पर मना कर रहा था। फिर वो दोनों कैफे में आ जाते हैं। लिली बोलती है, डीमंस को ढूंढना तो कितना मुश्किल है। अकुत्सु कहता है, तुम कितना खाती हो। लिली कहती है, ऐसा मत बोलो, डीमंस को ढूंढने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए होती है। अकुत्सु कहता है, तुम मोटी हो जाओगी। तो लिली उसे मारने लगती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी अकुत्सु बोलता है, रुको, मैं कुछ सेंस कर पा रहा हूँ। लिली कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे उल्लू बना दोगे। एंड लिली भी वो सेंस कर पाती है। वो कहती है, शायद वो हमारे नजदीक ही है, मुझे पता नहीं था वो बिजी स्ट्रीट्स पर भी दिख सकते हैं। एंड जब वो दोनों सामने देखते हैं तो वहां पर तो हिरोटा रोते हुए अपना सर पटकते हुए उन्हें बोल रहा था कि ये दोनों तो डेट कर रहे हैं। फिर वो दोनों उसे अंदर बुला लेते हैं। एंड हिरोटा कहता है, अच्छा तो लिली तुम्हें शहर दिखा रही थी, मुझे तो लगा तुम दोनों डेट कर रहे हो। वैसे अकुत्सु, मुझे तो तुमसे जलन होने लगी। अकुत्सु कहता है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हिरोटा कहता है, मैं भी यहाँ पर किसी के साथ आया हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर हिरोटा को कहती है, केनासाकु कहाँ चले गए थे तुम, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुमने प्रॉमिस किया था कि आज मेरे साथ घूमने चलोगे, ये दोनों कौन है। जिस पर हिरोटा कहता है, ये दोनों मेरे क्लासमेट्स है, इसका नाम है अमाने लिली। तो वो लड़की उसे शॉर्ट कह देती है और कहती है, तुम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ग्रेड स्कूलर जैसी लगती है। हिरोटा कहता है, ऐसा मत बोलो। ये सुनकर लिली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर हिरोटा अकुत्सु से मिलवाता है तो वो लड़की उसे भी रूड वे में हेलो कहती है। हिरोटा कहता है, इसका नाम है तानाहाशी युका और ये मेरी। तभी वो लड़की बोलती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हिरोटा बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो। युका कहती है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है।
लिली कहती है, हिरोडा तुम कितने बुरे हो, तुम्हारे पास इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है और तुमने हमें बताया भी नहीं। तुमने तो मुझे 4 बार कन्फेस किया था ना, या फिर 5 बार, जिस पर ये लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, क्या यह सच कह रही है? फिर वो उसका कान खींचकर उसे वहां से ले जाती है और जाते वक्त लिली को गुस्से से देखकर जाती है। अकुच्छु कहता है, तुमने तो उसे बढ़िया मजा चखाया। लिली कहती है, मेरी इंसल्ट करने का यही फल मिलेगा। और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे? अकुच्छु सोचता है, तो मतलब वो वाइब हिरोटा की जेलेसी से आ रही थी। फिर लिली बोलती है, आज तो बिल्कुल बेकार दिन गया, मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं जा रही हूँ। तुम्हें कुछ सेंस हो तो मुझे बता देना। फिर वो चली जाती है और अकुच्छु के पास डीमन जैसा कुछ दिखता है। अकुच्छु जब उस तरफ देखता है तो वो गायब हो जाता है, लेकिन अकुच्छु इस बात पर इतना गौर नहीं करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि इन दोनों को एक डीमन दिख जाता है। लिली बोलती है, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी, फिर तुम्हें पेन होगा, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगी। और तभी अकुच्छु की नींद खुल जाती है और पता चलता है ये तो एक सपना था। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि युका भी उन्हीं के स्कूल में आ जाती है। वो कहती है, कल के लिए सॉरी, मैंने तुम्हारी हाइट के कारण तुमसे ठीक से बात नहीं करी, क्योंकि तुम कितनी शॉर्ट हो, तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है। लिली कहती है, मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने हिरोटा की गर्लफ्रेंड को मिस अंडरस्टैंडिंग करवा दी। युका कहती है, वो तो मजाक था, हम दोनों तो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। वैसे हमारी क्लास एक दूसरे की साइड में ही है, तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या मैं भी तुम्हें कानासाको जैसे लिली कह सकती हूँ? लिली कहती है, ठीक है। और क्या मैं भी तुम्हें युका बुला सकती हूँ? वो कहती है, ठीक है। फिर वो वहां से चली जाती है और अकुत्सु इन दोनों को साथ में बात करते हुए देखकर काफी हैरान हो रहा था। इधर लिली गुस्से में बोलती है, आज भी उसने मुझे स्मॉल कहा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर अकुत्सु टेरेस में बैठकर अपने सपने के बारे में सोच रहा था और बोलता है, उसने ऐसा पहले भी किया हुआ है। फिर वो इस सीन को याद करता है, तभी वहां पर उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, ओ तो तुम यहाँ पर हो, तुम क्लास में और कैफेटेरिया में भी नहीं दिखे। तानिकावा कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? अकुत्सु सोचता है, मैं इन दोनों से सच नहीं बता सकता कि लिली है कौन। क्या मुझे इन्हें मेरे आज के सपने के बारे में बताना चाहिए? मैं स्टोरी में थोड़ा मिर्च मसाला डालकर बताऊंगा। वो इन्हें कहता है कि एक ओल्ड लेडी मेरे सपने में आई थी, तो इसीलिए मैं सो नहीं पाया हूँ। ये दोनों कहते हैं, शायद ये प्यार है। अकुत्सु कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और उसे लिली की याद आती है और ये दोनों हंसने लगते हैं। अकुत्सु कहता है, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? हिरोटा बोलता है, सच में अकुत्सु, रियली तुम एक सपने के कारण सो नहीं पाए? तुम तो एक मिडिल स्कूलर हो। तानिकावा कहता है, ओल्ड लेडी, हमें तो लगा कि लिली आई होगी। हिरोटा कहता है, ऐसा हो तो इसे रोमांटिक फ्रेंडशिप कह सकते हैं और हर कोई किसी से भी प्यार कर सकता है। मैं इसमें तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है। अकुत्सु पूछता है, तो कल वाली वो लड़की कौन थी? हिरोटा कहता है, वो तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैं तो बस उसके साथ शॉपिंग करने गया था। तानिकावा कहता है, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है? हिरोटा कहता है, हाँ सही कहा। फिर हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर हिरोटा दो लड़कियों को कह रहा था, मेरी बॉडी काफी ठंडी है, टच करके देख लो। और जब वो उसे टच करने जाती है, तभी वहां पर युका आ जाती है एंड उन दोनों को डराकर वहां से भगा लेती है। इधर हिरोटा रोते हुए कहता है, तो ऐसा होता है मेरे साथ। अकुत्सु कहता है, तो तुम उसे डेट क्यों नहीं करते? जिस पर हिरोटा फिर से रोने लगता है। तभी अकुत्सु को लिली का मैसेज आता है कि चलो डीमन हंटिंग पर चलते हैं, जिस पर अकुत्सु मैसेज कर देता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर लिली कहती है, एक भी डीमन नजर नहीं आ रहा है, काश मेरे पास रेडार होता और उन्हें ढूंढना काफी इजी हो जाता। फिर उसे डीमन ढूंढते ढूंढते 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसे एक भी डीमन नहीं मिलता है। वो अपना फोन देख रही थी, तभी वहां पर युका आ जाती है और कहती है, तुम अकेली क्या कर रही हो? लिली कहती है, मैं अकेली घूमने आई हूँ। युका कहती है, मैं भी, तुम्हारा इसके बाद कोई प्लान है? जिस पर लिली कहती है, मैं थोड़ी और देर सैर करना चाहती हूँ। युका कहती है, तब तो हम दोनों साथ में हैंग आउट कर सकते हैं, कैसा रहेगा? अकेले होने में कितना बोरिंग हो जाता है, हम दोनों साथ में ही हैंग आउट करते हैं। लिली सोचती है, ये करना क्या चाहती है? जो भी हो, मैं इन इंसानों से कोई ट्रबल में नहीं पड़ने वाली। फिर वो उसे कह देती है, ठीक है,
युका कहती है तो फिर हम क्लोथिंग स्टोर पर चलते हैं और लिली अकुत्सु को मैसेज करती है कि मेडिसिन लेना मत भूलना और युका ये नोटिस कर लेती है। अगले सीन में ये दोनों क्लोथिंग स्टोर पर आ जाते हैं। वो पूछती है ये कैसा है, लिली कहती है ये अच्छा है। तो युका लिली को उन कपड़ों के साथ ही सीधी चेंजिंग रूम में फेंक देती है और कहती है कपड़े चेंज करके बाहर आ जाना और पर्दा बंद कर देती है। लिली सोचती है ये करना क्या चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो उन कपड़ों को पहन कर आती है तो वो कपड़े काफी बड़े थे। युका हंसते हुए कहती है सॉरी लेकिन ये तो तुम्हारे लिए काफी बड़ा है। ये सुनकर लिली को गुस्सा आ रहा था। वो कहती है मैं चेंज करके आती हूँ और युका अभी भी हंस रही थी। लिली बोलती है अब मैं समझी, ये बस मेरा मजाक उड़ाना चाहती है। फिर वो युका के लिए एक स्कर्ट लेकर आती है और कहती है ये तुम पर ज्यादा शूट करेगा, 56 वेट तो मेरे लिए काफी बड़ी हो जाएगी। जब तुम इसे पहनोगी तो तुम इसमें स्लिम दिखोगी और ये तुम पर फिट भी हो जाएगा। और ये बोलकर लिली ने भी उसे बड़े अच्छे से मजे चखा लिए होते हैं। लिली को बहुत मजा आ रहा था। वो कहती है तुम्हें पता नहीं है कि जिसके साथ तुम फाइटिंग कर रही हो वो एक एंजल है। युका कहती है आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो दोनों बुक स्टोर पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़े ही जा रहे थे। जैसे कि लिली युका को स्लिम होने की बुक देती है एंड युका उसे बच्चों की हाइट ग्रो कैसे करते हैं वो वाली बुक देती है। एंड फिर भी वो दोनों उस बुक को खरीद लेते हैं। उसके बाद युका कहती है अब हम कहाँ पर जाए या फिर तुम्हें घर जाना है। लिली कहती है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहती हूँ। तो युका कहती है तब तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लिली कहती है वो क्या है, युका कहती है तुम नहीं जानती, ठीक है तो तब तो हमें वहीं पर जाना चाहिए। और वो तो फोटो बूथ होता है। लिली का ये फर्स्ट टाइम था इसलिए वो थोड़ी नर्वस थी। युका कहती है अब हम इसे एडिट करते हैं, तुम जो चाहो वो स्टैंप यूज कर सकती हो। वो सोचती है ये बिगिनर लगती है, मैं तुम्हारी पहली फोटो मेमोरी ब्लड से रंग दूंगी। लेकिन वो देखती है कि लिली काफी एक्साइटेड हो रही थी तो वो सोचती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर हमें अकुत्सु को दिखाते हैं जो लिली का मैसेज पढ़कर भाग रहा था। फिर लिली और युका कैफे में थे और लिली उन दोनों की फोटो को ही देखे जा रही थी। वो बोलती है मैं इसे कहाँ पर लगाऊं ये सोच रही हूँ। युका कहती है तुम इसे अपनी नोटबुक पर लगा सकती हो। वो सोचती है ये तो कितनी क्यूट है, बिल्कुल एक छोटे एनिमल की तरह। लिली पूछती है क्या मैं इसे अपने फोन पर लगा सकती हूँ या फिर ये गिर गया तो। युका फिर से सोचती है ये तो मेंस के लिए काफी डेंजरस है। लिली पूछती है बाय द वे युका आज तुमने मुझे अपने साथ आने के लिए इनवाइट क्यों किया। युका कहती है अकेले रहने से ज्यादा इसमें मजा है और मैं तुम्हारे साथ और बात करना चाहती थी। वैसे भी जीत हासिल करने के लिए हमें हमारे एनिमी को जानना तो पड़ता ही है ना। लिली बोलती है एनिमी। युका कहती है तुम लड़कों में काफी पॉपुलर हो, मुझसे काफी अपोजिट, लेकिन मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगी। लेकिन आज हमने कितनी बातें की, शायद हम दोनों की अच्छी जमेगी, तुम क्या सोचती हो। जिस पर लिली कहती है मैंने भी आज बहुत एंजॉय किया और मन में बोलती है हाँ ये सच तो है, मैं क्लास में दूसरी लड़कियों के साथ बात करती हूँ इससे ये काफी अलग एहसास है, कंफर्टेबल फीलिंग। और वो युका को कहती है जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने जो कहा था ना वो सच नहीं है, मेरे और हिरोटा के बीच में कुछ भी नहीं है। युका कहती है ऐसा क्या, केनासाको भी हर बार गड़बड़ करता रहता है, वैसे उस दिन के लिए सॉरी। लिली कहती है इट्स ओके। युका कहती है तुम एक चार्मिंग पर्सन हो और साथ में क्यूट भी हो, स्मार्ट भी हो और तुम्हारे आईलैशेस भी लॉन्ग है और तुम्हारा फिगर भी कितना अच्छा है। लिली सोचती है ये तो कितनी अच्छी है। फिर वो अपना फोन देखने लगती है एंड युका कहती है मेरे कुछ और प्लान्स भी है तो मुझे जाना होगा। लिली कहती है नो प्रॉब्लम मैं बिल पे कर दूंगी। युका कहती है थैंक्स और बदले में तुम इस ग्रोथ बूस्टर को रख लो बाय। और लिली सोचती है वो अभी भी वैसी ही है। फिर वो उन दोनों की फोटो देखकर बोलती है लेकिन आज पूरा दिन मैंने बहुत एंजॉय किया, चलो तुम्हें माफ किया। फिर वो अपने फोन में अकुत्सु का मैसेज देखती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, तुम कहाँ पर हो। इधर अकुत्सु भागते हुए सोच रहा था वो एक एंजल है। लिली उसे मैसेज करती है आज तुम आराम ही करो और दवाइयाँ भी टाइम पर ले लेना। अकुत्सु सोचता है उसे मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। फिर वो लिली के पास आ जाता है और कहता है मुझे अब अच्छा लग रहा है।
लिली कहती है, मैंने कहा था ना आज आने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। तभी अकुच्चू को कुछ सेंस होता है। लिली कहती है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तुम्हें कोई डीमन सेंस हो तो मुझे बता देना। इसके बाद एक डीमन को दिखाते हैं और लिली उसके सामने ही थी। वो डीमन पूछता है, तुम कौन हो? लिली कहती है, मैं वो ही हूँ जो फिल्थ को प्योरीफाई करती है, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।